राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक हमीरपुर जिला के पतनौर के 96 किलो भार वर्ग वेट लिफ्टिंग में विकास ठाकुर ने सिल्वर पदक जीतकर देश भर में पतनौर गांव का नाम रोशन किया है। पतनौर गांव में विकास की उपलब्धि पर खुशी का माहौल बना हुआ है और पैतृक गांव में जीत की खुशी में मिठाई बांटने के साथ साथ गीत गाकर भी खुशी का इजहार किया जा रहा है। विकास ठाकुर के सगी ताई और ताई और ग्रामीणों ने मिठाई बांधकर खुशी जताई है। हालांकि विकास ठाकुर के माता पिता लुधियाना में हैं, तो वहीं पटनौर और गांव में विकास ठाकुर के रजत पदक जीतने पर खुशी का माहौल बना हुआ है। वहीं अब 13 अगस्त तक पैतृक गांव पटनौर में विकास ठाकुर के आने पर जश्न मनाने की तैयारियां भी गाँव में की जा रही है। विकास ठाकुर के ताया कुमारचंद ठाकुर ने विकास ठाकुर की इस उपलब्धि पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि विकास ठाकुर का गांव में भव्य स्वागत किया जाएगा। मैं उनके ताया जी हैं जी, और हमें बहुत खुशी है। तीन बार मेडल ले चुके, वो सिल्वर मेडल 2000 पहले 14 में लिया था, फिर उसके बाद 18 में लिया है जी। हमें बहुत ज़्यादा खुशी है, उन्होंने बात का नाम रोशन किया है। आपको कैसे पता चला कि उन्होंने मेडल जीता है, किसने बताया पहले? टीवी में देखा जी, हमने टीवी में देख रहे थे हम अपने में। उनके माता पिता से बात हुई है आपकी? हाँ जी, जी बात तो होती है, बात तो होती रहती है। अब क्या इंतजार रहेगा उनके आने का? हाँ, वो 5 तारीख को आ रहे हैं घर। 5 तारीख को वापस आएंगे, वापस आएंगे ना उधर से 5 तारीख को, और यहाँ 13-14 तारीख को घर आ रहे हैं। वहीं विकास ठाकुर की ताई लता देवी ने भी गांव में मिठाई बांटकर अपनी खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी खेलों में 3 बार पदक जीते हैं और बहुत खुशी हुई है। विकास ठाकुर की बुआ अनुराधा ने बताया कि विकास ठाकुर बचपन से ही होनहार रहा है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रमंडल खेलों में सिल्वर पदक जीतकर विकास ने एक बार फिर से पूरे विश्व में हमीरपुर और देश का नाम रोशन किया है। हमें बहुत खुशी है कि हमारे बेटे ने मेडल जीता, ये उनका 3रा मेडल है। एक मेडल उन्होंने 2012 में जीता था, 14 में जीता था, और दूसरा मेडल 2018 में, और इस बार 2022 में उन्होंने मेडल लाया। हमें बहुत खुशी हुई, हमारा बेटा इतना बड़ी कामयाबी करके आया है, भारत का नाम रोशन किया है, और हम तो उनका इंतजार कर रहे हैं। जब वो इधर आएंगे तो हम बहुत खुशी मनाएंगे और बहुत फंक्शन करेंगे। सर, हमें बहुत बहुत ज़्यादा खुशी है कि हमारा भतीजा जो है वो जीत के घर वापस आया है, उसने भारत का नाम रोशन किया है, उसने गोल्ड लाया, सिल्वर मेडल लाया है, उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा खुशी है। उसकी खुशी में हम भी शामिल होना चाहते थे, पर वो बहुत दूर है इसलिए हम जा नहीं सकते, हम गांव में रहते हैं। उसके इधर भी विकास ठाकुर 7-8 साल तक रहा है इधर, फिर गए हैं वो बाहर पढ़ने के लिए चले गए हैं, पर जितने साल भी इधर रहा है हमारे साथ खेला भी है, कूदा भी है, इधर रहा है, पढ़ा भी है स्कूल में इधर ऊपर, हमें बहुत ज़्यादा खुशी है। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए टोनी देवी से सुमित कुमार की रिपोर्ट। मॉनसून के सुहाने मौसम में हिमाचल की पसंदीदा मारुति कारों पर आकर्षक ऑफर, चुनिए नई ब्रिजा, डिजायर, स्विफ्ट, ऑल्टो या फिर वैगनार। गोयल मोटर्स के जिला शिमला, सोलन, सिरमौर और किन्नौर के हर कोने में सेल्स और सर्विस का विशाल नेटवर्क, आपके घर द्वार पर सुविधाएं। मारुति सुजुकी की गाड़ियों की बुकिंग के लिए संपर्क करें 9317000172 पर।